नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज से करीब 10 से 15 साल पहले जब कभी भी कोई एयरक्राफ्ट मेरे घर के ऊपर से गुजरता था तो मैं लंदन, पेरिस, बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, दुबई ऐसी डेस्टिनेशंस के बारे में सोचा करता था। लेकिन अभी हालात कुछ और हैं। अगर मुझे दिल्ली से भोपाल ट्रैवल करना होता है तो सबसे पहले मैं टाइम के बारे में सोचता हूँ। यार, अगर मैं ट्रेन से ट्रैवल करूँगा तो करीब 8 से 12 घंटे लगेंगे, तो क्यों ना एयरक्राफ्ट से ट्रैवल कर लिया जाए। वैसे भी एसी के सेकंड टायर से डबल क्राई तो होता है। तो फिर मैं चूज़ करता हूँ एयर ट्रैवल। ऐसे ही मेरे जैसे आपके जैसे कई लोग कन्वीनियंट समझते हैं एयर ट्रैवल को। एयरक्राफ्ट कनेक्टिविटी इतनी बढ़ चुकी है और एक डेटा के अनुसार अभी 2023 तक जितने भी एयरक्राफ्ट्स इंडिया के पास हैं उससे दो से तीन गुना ज़्यादा एयरक्राफ्ट 2030 तक इंडिया के पास होंगे। मतलब इतने ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर किया गया है 2030 तक हमारे पास आज की कंडीशन से 3 गुना ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं इस सेक्टर में कितनी ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। ऑलराइट दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को मैं डेडिकेट करना चाहूँगा कुछ ऐसी एयरलाइंस के बारे में जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं, हायरिंग करती हैं, ओके? और कुछ इंटरनेशनल एयरलाइंस के बारे में भी बताऊंगा। आज की सारी वीडियो ग्राउंड स्टाफ से रिलेटेड है, ग्राउंड स्टाफ को डेडिकेटेड है। पिछली वीडियो में मैंने टर्मिनल पर जितने भी ऑपरेशंस होते थे, जो कंपनीज टर्मिनल पर काम, टर्मिनल बिल्डिंग पर कस्टमर्स को मैनेज करती हैं, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उस वीडियो को मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक डाल दूंगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एयरपोर्ट पर अभी काम करते हैं और मेरे फ्रेंड्स भी एयरपोर्ट पर काम करते हैं, उनके ज़रिए मैंने डेटा गैदर किया है। मैं खुद एयरपोर्ट पर काम कर चुका हूँ एज अ ग्राउंड स्टाफ विद इंडिगो। ऑलराइट, तो ये डेटा जेन्युइन है और इसमें मैं ना केवल आपको सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आप जॉब लग सकते हैं, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा आप खुद कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं, आप खुद कैसे फ्रॉड से बच सकते हैं, सैलरी कितनी मिलती है, क्या क्या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कैसे स्विच कर सकते हैं, आप अपना करियर कहीं और कैसे बना सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में है। चलो दोस्तों, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। जो ग्राउंड स्टाफ है वो क्या है और इसके कितने पार्ट्स हैं, कितनी सारी जॉब्स होती हैं? तो दोस्तों, जनरली ग्राउंड स्टाफ को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो एयरपोर्ट पर काम करते हैं। सबसे पहले कार्गो, रैंप, सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस और AME। अगर AME को थोड़ा सा हटा दिया जाए, क्योंकि ए लिए एयरक्राफ्ट मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए एक पर्टिकुलर डिग्री चाहिए होती है, पर्टिकुलर कोर्स चाहिए होता है, अगर इसको साइड में रख दिया जाए तो ये चारों जो वैकेंसीज मैंने आपको बताई हैं इनके लिए किसी भी स्पेसिफिक डिग्री, किसी भी स्पेसिफिक कोर्स के लिए कोर्स की ज़रूरत नहीं है। आपका सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। यस, आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं 7 ऐसी बड़ी कंपनीज़ के बारे में बताऊँगा आपको। सबसे पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा, अकासा, कतर एयरवेज, एमिरेट्स, ये सारी कंपनीज के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जानकारी दूंगा। सबसे पहले आती है एयर इंडिया। तो आपने सुना ही होगा कि अभी एयर इंडिया टाटा के अंडर है और टाटा कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, आपको पता ही है। तो एयर इंडिया में अभी फ़िलहाल एयर इंडिया के जो ऑपरेशंस रन करते हैं वो AIASL और एयर इंडिया सेट्स भी रन करते हैं, जिनकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। पिछली वीडियो जाके आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। इसके अलावा एयर इंडिया खुद भी हायरिंग करती है। जो एयर इंडिया की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जनरली ये फ्रेशर्स को 18 to 28 तक हायरिंग होती है और एक्सपीरियंस में एज मैटर नहीं करती, फिर भी 35 तक ये हायरिंग करते हैं अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो। इनकी सैलरी करीब होती है 20 से 25 हज़ार। दोस्तों, सेकंड लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है वो है एयर इंडिया एक्सप्रेस की। एयर इंडिया एक्सप्रेस में भी सेम है, 18 to 28 तक ये फ्रेशर्स को हायर करते हैं, ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, इंग्लिश मीडियम, मतलब किसी भी कंपनी में, इनमें से किसी भी कंपनी में मीडियम हमेशा इंग्लिश रहता है, ये बात नोट कर लेना, क्योंकि कई सारे कमेंट आते हैं सर हिंदी में इंटरव्यू होता है कि नहीं, इंग्लिश में ही इंटरव्यू होता है। और थर्ड नंबर पर मैं बात करूँगा इंडिगो के बारे में। दोस्तों, इंडिगो में
एज लिमिट है 18 to 27, और ये भी अभी ग्रेजुएशन जिसने किया है उन्हीं को हायर कर रहे हैं, ठीक है। 76 वैकेंसीज अभी हैं, आप जाकर देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लिंक, थर्ड नंबर की लिंक इंडिगो मेंशन करके मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो डिफरेंट लोकेशन, पुणे में हायर है, हायरिंग है, हैदराबाद में, कोलकाता में, बैंगलोर में, आप देखो और अप्लाई करो, ठीक है। और अकासा जो अभी अभी स्टार्ट हुई है हाल ही में, अकासा भी हायर कर रही है बहुत सारे कैंडिडेट्स कस्टमर सर्विस के लिए, और अकासा में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, इंडिगो में भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर मैं इन दोनों कंपनीज़ की सैलरी की बात करूं तो इनमें करीब 17 to 22,000 सैलरी स्टार्टिंग से दी जाती है। 17,000 जहां पे जो आउटर में लोकेशन है जैसे पुणे हुआ और अदर लोकेशंस हैं उन पर 17, नागपुर एयरपोर्ट, भोपाल एयरपोर्ट, 17,000 से स्टार्ट होती है। अगर मैं बात करूँ दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, इन एयरपोर्ट्स पर 22,000 से स्टार्ट होती है सैलरी। और अब बात करते हैं विस्तारा की। तो विस्तारा इंडिया की सबसे बेस्ट एयरलाइन है स्काईट्रैक्स के अकॉर्डिंग और बाकी में भी। तो ये लोग जनरली एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हायर करते हैं, कभी कभी फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसीज निकालते हैं, आप चेक करते रहिएगा। इनकी सैलरी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, ये स्टार्ट करते हैं 20 to 25,000 से स्टार्टिंग सैलरी। अगर एक्सपीरियंस एज एन एक्सपीरियंस हायर कर रहे हैं आपको तो सैलरी वेरी करती है, 30-35,000 तक देते हैं। अगर सीनियर पोस्ट पर हैं तो 35-40,000 भी सैलरी प्रोवाइड करते हैं ग्राउंड स्टाफ के लिए। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं कतर एयरवेज़ की। कतर एयरवेज़ भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स पर हायरिंग करती है जैसे हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, अमृतसर। ग्राउंड स्टाफ की इनको ज़रूरत होती है, ये भी समय समय पर वैकेंसीज निकालते हैं। तो लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसमें एज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हाइट की कोई रिक्वायरमेंट किसी भी एयरलाइन में नहीं है ग्राउंड स्टाफ के लिए, ठीक है। एमिरेट्स की भी अभी आप जाकर देखें, मुंबई में वैकेंसी निकली हुई है, लिंक पर क्लिक करें। और एमिरेट्स और कतर एयरवेज़ की सैलरी करीब सिमिलर होती है, 50 to 70,000 पर मंथ। इंडिया में अगर आप शिफ्ट करते हैं लोकेशन तो इनकी 1.25 लाख रुपीज़ पर मंथ सैलरी होती है। तो दोस्तों, आपको कंपनीज़ के बारे में पता चल गया, अप्लाई करने के लिए मैंने लिंक दे दी है आपको ऑलरेडी। लेकिन अब मैं बात करता हूँ ग्रोथ की। जब आप इंडिगो में स्टार्ट करते हैं ग्रेजुएशन के बाद तो आपकी सैलरी होती है 17 to 22, ओके। आप किसी भी सैलरी पैकेज में एयरपोर्ट पर काम करते हैं, अगर आप एक साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, एक साल के अंदर आपका बेसिक एप्सेक क्लियर होना चाहिए, आपके पास स्क्रीनर मतलब सिक्योरिटी स्क्रीनर, अगर आप सिक्योरिटी में काम करते हैं तो सिक्योरिटी स्क्रीनर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसको लेने के लिए 1 to 1.5 साल लग जाता है, कभी कभी 2 साल भी लग जाते हैं। तो अगर आपके पास किसी भी कंपनी से स्क्रीनर का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप अपनी लाइन चेंज करके किसी और एयरलाइन में शिफ्ट हो सकते हैं, वो आपको हायर पैकेज देते हैं। अगर आप वहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं तो आप क्रूज़ लाइन में जा सकते हैं। क्रूज़ लाइन में भी बहुत ज़्यादा पैकेज होता है सैलरी पैकेज, क्योंकि आपको कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करना होता है, 1 लाख से ऊपर आपकी सैलरी होती है। ऑलराइट एवरीवन, और इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आई से एवरी टाइम, ओके, जो भी जॉब आप कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करिए, अच्छे से करिए, स्किल्स गेन करिए। पहले मैं भी ग्राउंड स्टाफ था, ग्राउंड स्टाफ से कैबिन क्रू बना, फिर से इंटरनेशनल एयरलाइन में कैबिन क्रू बना। तो आप अपने स्किल्स के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनी में जाना है। कंपनियों को मत कहिए यार, काश ये कंपनी मुझे चूज़ कर ले, वो कंपनी मुझे चूज, आपको कौन सी कंपनी में जाना है ये आप डिसाइड करते हैं। सभी वैकेंसीज के लिए इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश पर वर्क कीजिए, डेवलप योर इंग्लिश एज मच एज यू कैन, प्रैक्टिस वोकेबुलरीज, प्रैक्टिस कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके। तो प्रैक्टिस करो कम्युनिकेशन स्किल्स की। मेरा ग्रूमिंग वाला वीडियो देखो यार, 2.2K लोगों ने देखा है मेरा वीडियो, इतनी शिद्दत से मैंने उस वीडियो को बनाया। ग्रूमिंग वाले वीडियो की लिंक भी इस वीडियो में मैं डाल दूंगा, प्लीज़ वॉच दैट, क्योंकि उससे ही तो आपका रास्ता खुलेगा आगे जाने का। आप इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर होकर जाते हो, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। फीमेल ग्रूमिंग का वीडियो मैं डालने वाला हूँ, चिंता मत कीजिए, अभी फीमेल का कंप्लीट वीडियो डालूंगा। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कैबिन क्रू में जितनी भी वैकेंसीज हैं एंटायर वर्ल्ड में, आप कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उस वीडियो को भी देखना मत भूलना, ठीक है दोस्तों। बाय, इसी तरह से वीडियो लाते रहूँगा आपके सामने, अप्लाई करते रहिए, सक्सेसफुल होते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।